फ्रेंड्स, मैं पिछले अभी मेरे ख्याल से 10 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद मैं निकल नहीं पाया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस क्लासेस चलती हैं तो उतना वक्त नहीं मिलता। तो अपने फ्री आवर्स में या फिर ज़बरदस्ती भी कुछ ना कुछ टाइम मैं निकाल लेता हूँ। तो आज मैंने जो है बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा हो रही थी, मेरे फादर के एक बहुत ही करीबी हैं, पास में ही एक महाराज साहब का गांव है, धर्मपुर जंगल की तरफ पड़ता है, तो वहां पर वो हमको कई बार बुला रहे थे कि आप आइए यहां पर, आपको अपने खेत में गन्ना चुहाते हैं, और जब इतनी जगह जाते हैं तो कम से कम एक बार हमारे यहाँ भी आकर के विज़िट करिए। तो आज अर्ली मॉर्निंग मेरे मन में यही ख्याल आया कि क्यों ना आज गांव पर विज़िट करते हैं। तो मैं यहां पर आया और आप ये पूरा लोकेलिटी देखिए, चारों तरफ ये पूरा एरिया देखिए। एक बात तो मैं कहूँगा कि गांव पर आकर के जो आनंद महसूस होता है, जो सुकून मिलता है अंदर से, वो मैकेनिकल लाइफ में शहर में नहीं मिलता। और मैं देखिए ये पूरा एरिया जो है उन्हीं का है, और हमको गन्ना चुहाने के लिए वो इतनी मेहनत की है कि ये टुकड़े टुकड़े में कई सारे जगहों पर उन्होंने बाउंड्रीज बना रखी हैं, तो उसको मुझे क्रॉस कर करके जाना पड़ा। वो सांप हैं, कोई समस्या नहीं, समस्या बस उस जगह पर थोड़ी थी क्योंकि वहाँ पर तार बहुत ज़्यादा था। मेरे पिताजी के बहुत ही करीबी हैं, बहुत अभिन्न हैं, देख रहे हैं क्या थैंक यू भाई, क्या दिलदार व्यक्ति हैं। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मेरे फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैं उस वक्त बेल्जियम हाँ के लिए निकलने वाला था, लखनऊ तक पहुंचा था, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा और पूरा वक्त आपने दिया। बहुत पहले से ही सब साथ में, तो बड़ा धारदार गन्ना है। अब इधर आइए आइए चलिए, अब जब आज गन्ना चुहना है तो आपके लेवल पर उतर कर करके अंदर घुसना पड़ेगा। ठंडी में गन्ना चुहने में मजा आएगा। जानवर यहाँ गन्ने के खेत में कौन से? साही जाए, जाए। अच्छा, इस बेल्ट में हमें लगता है लोगों को गन्ने की पैदावार ज्यादा आसान लगती है क्योंकि बाढ़ का क्षेत्र है। गन्ने में थोड़ा सा मनी क्रॉप, हाँ ज्यादा मेहनत नहीं है, ऊपर पैसा मिल जाता है आसानी से। इसको तोड़े? हाँ बिल्कुल। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? कोशिश हुई तोड़ी तो नहीं देखा तोड़ी। ऐसे ही एक बार इससे भी ज़्यादा ठंडी थी, उधर टीटू भैया के रिलायंस पेट्रोल पंप पर मैं था, और मैंने जो विद्यार्थी हमारा वहाँ पे मैनेजर, उससे मैंने कहा कि गन्ने की व्यवस्था करो तो बालक थोड़ा गन्ना चुहा जाए। तो कहता गुरुजी क्या बात करते हैं, इतना ठंडी में। मैंने कहा निकालो जी, कुछ नहीं होगा। बाढ़ का पानी यहाँ तक आता है? हाँ पानी यहाँ बाढ़ का एक नाला इधर से है बगल से। हाँ, तो क्या नाम है उस नाले का? ये उधर विश्रामपुर साइड से वहीं सरजू नहर का एक मेन ब्रांच है। हाँ, उसे निकल करके आती है। तो ये ब्रांच का पानी नहीं बल्कि बरसात का पानी नीचे से नाली बना करके हाँ इधर भेजते हैं, तो इसलिए बरसात में पानी कुछ ज़्यादा हो जाती है।
और दूसरा चूंकि नुकसान होता है जमीन का, और एक तो ये तराई का क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर तो पानी आना ही आना है, आप चाहे फसलें जो है जितना भी जुगाड़ कर लीजिए, लेकिन पानी तो आना है। कुछ जो ऊंची जमीनों को छोड़ करके नीचे वाली जमीन है जी, नुकसान। अब आप पहले पार होइए, फिर हम निकले। हम तो पार हो गए समझ लीजिए। हाँ तो आप पार हो गए तो हम भी पार हो लेंगे, समझ लेंगे। अभी सुबह इसको ठीक करके गए, इसको जानवर तोड़े हैं। देखा जानवरों के, ये देखा जो देखेगा वो भी कहेगा कि भाई वाह क्या बात, अब डाल देंगे हमको। अरे हद है जय श्री राम। ये सही है, जय भोलेनाथ। इतना तो दम तो आपके लड़कों में नहीं होगा जूजू टाइप के। अब आप इसको पार करें तो फिर हम भी कुछ जद्दोजहद करें उस तरफ निकलने के लिए। लेकिन मैं कहां बीच में से घुसूं? इसको ले लो। नहीं नहीं अब निकल लेंगे, निकल लेंगे। ये मैं आया, आखिरकार निकल लिए, लड़ाई जीत लिए। लड़ाई जीत गए भाई, वाह क्या बात। अच्छा बहुत दिन से पेंडिंग था आना, चलिए आज आए, वो भी पूरा हुआ। पूरा हो गया, मैं तो सोच रहा था पता नहीं, जबकि आज सोचा था कि उस तरफ मैं थारू बेल्ट में इमलिया कोडर की तरफ कहीं बढ़ूंगा। अच्छा अच्छा, लेकिन तो कहिए कि आपका फोन आ गया तो मुझे याद आ गया। के बीच में से आप कैसे गुजर रहे हैं? क्या दिखाई हो हैं? कहाँ दिखाई हो? पहले तो आपके पुत्रों को सेंड करेंगे कि उन लोगों से ज्यादा रफ एंड टफ तो आप ही हैं। बाप रे, घुस जाइए। वाह मेरे भाई क्या बात है, रहा ठीक रहा। हाँ ये देखिए एक्शन अभी निकलिए, हमारे लिए गन्ना लाने के लिए इतना मेहनत लाइए लाइए हम। लेकिन इसको जो है बस ऐसे ही पड़ेगा। हाँ चलिए निकलिए, मुझे भी। लेकिन आप तो एक्शन, डंडा डंडा लीजिए इसी के। नहीं रुकिए, नहीं 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 निकल जाएंगे, इसका सहयोग करिए। पहले सर, हाँ पहले पैर निकालो, फिर सर पैरवा नीचे कर डालो। वाह वाह भाई वाह वाह भाई, कौन कहता है कि हम निकल नहीं सकते। या देखिए मेरा भी एक्शन कम नहीं है। सही है, ये रहा। वाह वाह भाई वाह, अब हमारे लिए है। चलिए चलिए गन्ना निकालने के लिए इतनी इधर चलो, इधर जद्दोजहद। कभी रास्ते में गंदगी कर देते हैं। अच्छा सो फ्रेंड्स, कुछ वक्त अपने और अपनों के बीच में भी बिताना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है, मेरी लाइफ में तमाम ऐसे लोग आए जो मेरे लिए मेमोरेबल हो गए। उनमें से ये हैं जिनके साथ आज मैं जिनके गांव पर था, इनका नाम दुर्गा बक्सिंग जी है। वो बहुत पुराने व्यक्ति हैं और स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत समय से कह रहे थे। इन्होंने मेरे फादर की इतनी हेल्प की है, उस वक्त मुझे याद आता है जब मेरे फादर 15 डेज के लिए विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट थे, और उनकी मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मैं जा रहा था बेल्जियम की अपने ट्रैवल पर, तो मुझे सब कुछ कैंसिल करके वापस आना पड़ा। तो आज का दिन इनको समर्पित। अभी वहाँ पर देखिए वो बात कर रहे हैं अपने गन्ने की कटाई को लेकर करके। और जब मैं यहाँ पहुँचा सुबह को तो एकदम भाव विभोर हो गए, और उनको बड़ा अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ। कहने लगे मुझे उम्मीद ही नहीं था कि आप यहाँ पर आएंगे इस गांव में। मैंने कहा क्यों नहीं, अच्छा जो उम्मीद नहीं होता मैं वही काम करता हूँ। सो इट इज़ रियली अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और ऐसे गिने चुने उंगलियों पर ऐसे लोग हैं जिनसे मिल करके मुझे अंदर से बड़ी खुशी मिलती है, उनमें से एक ये है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने स्टूडेंट से भी कहा था कि जब भी कभी आपको वक्त मिले टीचिंग के बाद, स्टडी के बाद, तो फिर आप
जाइए गांव में, अपने करीबी कहीं पास में गांव में, और लोगों से मिलिए और लोगों की मदद करिए, गरीब बच्चों से मिलिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में कुछ करिए, तब तो लाइफ सार्थक होगी। मैकेनिकल लाइफ जी कर करके अपना पेट भरना, दिन भर अपनी सैलरी इकट्ठा करना, संजोना राउंड फिगर में, दैट इज़ नॉट लाइफ। ओके, सो आई होप यू ऑल्सो हैव इन्जॉयड इट, सो कीप इट अप। फिर देखेंगे, कल भी खाली हैं, कल भी मौका लगेगा तो निकलेंगे। ओके,